आज मैं आया हूँ राशिद मॉल। यहाँ पे एक सब्सक्राइबर है, उसने फ़ोन किया उससे मिलने के लिए। तो भाई इंडिया से है, उसका खुद का शॉप है यहाँ पे राशिद मॉल में। बहुत बड़ा मॉल है यहाँ पे, उसका खुद का शॉप है वो चप्पल का। तो अभी चलते हैं उसके पास, उससे मिलते हैं। मैं भी मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलिए साथ में आप लोगों को भी लेके चलते हैं, मिलते हैं उससे, राशिद मॉल के अंदर चलते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना। ठीक है दोस्तों, ओके तो चलिए आगे चलते हैं उसके पास जाके, फिर मिलते हैं आप लोगों से। वेलकम बैक एमआर के ब्लॉग्स। तो चलिए अभी आगे चलते हैं उसके साथ, उसके पास, उसके दुकान पे। तो वहाँ जाके फिर आप लोगों से मिलूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो अभी जा रहा हूँ पार्किंग के, गाड़ी पार्किंग लगा दिया यहाँ पे। बहुत बड़ा पार्किंग है, पार्किंग का कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं जब नया नया आया था ना सऊदी में, तो यहाँ पे मुझे 100 रियाल का मुखालफा भरना था, फ़ाइन भरा था पार्किंग के लिए। मुझे मालूम नहीं था, मैं जिस दिन सऊदी में आया था उसी दिन या उसके शॉप के सामने, शॉप में कस्टमर है, बाद में जाता हूँ। क्योंकि यहाँ किसी के इजाज़त के बिना उसका फ़ोटो लेना, मतलब उसका फ़ोटो लेना मतलब गैरकानूनी है। उसने अगर कंप्लेन कर दिया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊँगा। वो भी लेडीज़ हैं तो वो चले जाते हैं, फिर अंदर चलेंगे। ठीक है, शॉप का अंदर चलते हैं। ये है शॉप का नेम। सलाम अलैकुम, कैसे है? बस ठीक है मेरे भाई। ये है भाई इंडिया से। कहाँ से हो आप? बॉम्बे। मुंबई से? नाम? दस्तगीर। तो इसी भाई के बारे में बताया था, मिलने के लिए आया हूँ इसी भाई से खास करके। तो चलिए अब भाई से कुछ बात करते हैं, भाई कितने सालों से है यहाँ पे। ठीक है, पहले बता दिया है, एक बार बताया था ना। बताइए आप कितने साल से है सऊदी में? मैं 29 ईयर हो गया, 29 साल हो गए। मतलब 29 सालों से यहाँ सऊदी अरब में है। ये दुकान पे मेरे को हो गया 27। 27 सालों से खाली इसी दुकान में काम कर रहे हैं? यही दुकान। मतलब जब से राशिद मॉल ओपन हुआ है, ओपन हुआ तब से राशिद में, तब से राशिद मॉल के अंदर काम कर रहा है। तो मतलब 27 साल हो गया, 27 सालों में क्या क्या देखा होगा सोचो। मैं तो आया हूँ 20 महीना हुआ है, 20 महीने से तांग आ चुका हूँ। तो भाई 27 सालों से 29 सालों से कैसे रह रहा है सऊदी में, पूछते हैं कुछ एक्सपीरियंस बताओ भाई। भाई 29 सालों का क्या एक्सपीरियंस है आपका? 29 सालों में क्या, अभी क्या एक्सपीरियंस बताऊँ भाई। यहाँ पे तो है, चलो मेरा बॉस अच्छा है इसलिए बोल के चल रहा है मेरा। ऐसा नहीं है कि भाई अगर अगर बॉस अच्छा नहीं होता तो मैं भी नहीं रुकता यहाँ पे। तो ऐसे है सऊदी की कुछ बात, जिसका मतलब कफिल अच्छा मिल गया तो समझो उसके सोहन, क्या बोलते हैं उसको, सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा हो गया। अगर जिसके नसीब ख़राब है तो कुछ काम नहीं होगा यहाँ पे आके। तो भाई क्या, जैसे अच्छा कफिल मिल गया तो अच्छे से काम कर रहा है 27 सालों से। तो 27 सालों से एक दुकान पे काम कर रहा है, सैलरी भी तो आप लोग समझ लो कितना होगा। तो यही है, आप लोग अगर सऊदी में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, अच्छा कफिल देख के, अच्छा एजेंट पकड़ के तब आओ सऊदी में। क्यों भाई? अच्छा कफिल एजेंट वाला कौन बोलता है यार, अच्छा कफिल है ये बोलता है। ये बात सही है लेकिन कोई नहीं बोलता। जब आप एजेंट पकड़ोगे ना तो बोलेगा सब अच्छा है, सब अच्छा है। जैसे मैं आया था तो मेरे को क्या बोला था, 2 आदमी है खाली, इसको स्कूल छोड़ना है और घर पर लाना है। जब मैं यहाँ पर आया हूँ सऊदी में तो 2 घरों पर ड्यूटी करा रहा है। तो ऐसे ही है, आप यहाँ पे आके कुछ नहीं कर सकते। सोच रहे हो आप, सोचोगे जब मैं भाग जाऊँगा यहाँ से, तुम भागोगे, भाग के जाओगे कहाँ? पासपोर्ट है तुम्हारे पास, भाग जाओ, मुश्किल नहीं है। लेकिन तुम घर जाना है ना, तो यही सोचो घर जाने का है तो यहाँ पे सऊदी आके भागना नहीं है कभी उसके पास से। यहाँ पहले जैसा भी नहीं ना, अभी का जो सिस्टम है बहुत ही अलग है। यानी अभी भाग भी के काम करना मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पकड़ लेगा आप किधर भी जाओ, पकड़ लेता है, कुछ भी नहीं कर सकते, काम ही नहीं मिलेगा पहली बार। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। दुकान पे कस्टमर आ गया तो फिर मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। ठीक है, खुदा हाफिज़।